नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष और आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अलीबाबा ऐप पर आप अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बना रखा है, लेकिन ये 2021 चल रहा है, इस पर कुछ चेंजेस हुए हैं और शॉपिंग में भी कुछ चेंजेस हुए हैं, तो आप सभी को आने वाले वीडियोज में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग मिलने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, दोस्तों आपने अभी तक मेरे चल रहे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ चल रहे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर दीजिए। इससे ये होगा, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप लोग जो है मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। फिर उसके बाद इस वीडियो को आपको शेयर कर देना है सभी दोस्तों के साथ, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, शेयर चैट, स्नैपचैट सभी जगह शेयर कर दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है अलीबाबा क्रिएट अकाउंट, तो यहाँ पर अलीबाबा क्रिएट अकाउंट आपको लिख देना है। तो इस तरीके से मैं लिख लेता हूँ, आपको भी इस तरीके से लिख लेना है। सिंपल सा आपने इस तरीके से लिख लिया। फिर उसके बाद आपको चले आना है प्ले स्टोर पर। सबसे पहले प्ले स्टोर पर आएंगे और यहाँ सर्च बार में लिखेंगे अलीबाबा। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और सर्च बार में मैं लिख लेता हूँ अलीबाबा। तो इस तरीके से आपको ये एक एप्लीकेशन मिल जाएगा और यहाँ पर दोस्तों इसको मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो ये अपडेट का पूछ रहा है। अगर आपका जो है डाउनलोड नहीं है तो आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर इंस्टॉल पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर ओपन पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर ओपन का लिख के आएगा ऑप्शन, वहाँ पर क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसका बारे में अगर जानना चाहते हैं क्या क्या यहाँ पर शॉपिंग होती है, ये सारा कुछ यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। यहाँ से देख सकते हो 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इसे डाउनलोड कर रखा है और 12 लाख से ज़्यादा लोग ने इसे रिव्यू दिया है, 4.4 की रेटिंग है, तो काफ़ी अच्छा है, ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पर ओपन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ओपन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं लिख के आ गया अलीबाबा, इस तरीके से आपका जो है ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो है कि आपको ये कुछ पूछेगा तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि चार्जर वगैरह आपको दिखा रहा है और ये देखिए ये ऑटोमेटिक ये काफ़ी चीज़ें हैं जो दिखा रहा है कि आप मतलब क्या क्या यहाँ पर देखिए ये चार्जर वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो हैं वो सस्ती मिलती हैं। और एक चीज़ मैं आप सभी को ये बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है प्रोडक्ट बहुत सस्ते मिलते हैं, लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो है होलसेल। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी मान लीजिए शॉप है या कि कोई दुकान है आप या कोई फैक्ट्री है, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाता है यहाँ से शॉपिंग करना। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये लीगल भी है और इसे इंडियन गवर्नमेंट ने अभी बैन नहीं किया है, क्योंकि ये अच्छा वर्क कर रही है। और ये आप सभी जानते होंगे कि ये चाइनीज कंपनी है, लेकिन अभी तक ना बैन होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसका अच्छा काम, तो अभी इसका काम अच्छा हो रहा है इसलिए इंडियन गवर्नमेंट इसे बैन नहीं कर रही है। तो जब तक बैन नहीं कर रही तब तक आप यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे एयरपॉड्स 281 रुपये दिखा रहा है और ये यहाँ पर आप देखेंगे वॉच 296 रुपये, तो काफ़ी चीज़ें बड़ी सस्ती हैं। यहाँ पर एयरपॉड्स 137 रुपये के और यहाँ पर 461 रुपये के, तो काफ़ी सस्ती सस्ती चीज़ें मिलती हैं। तो ये जो सस्ती चीज़ें मिल रही हैं, ये अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग शॉपिंग कैसे करेंगे। अभी फ़िलहाल आपको अकाउंट बनाने के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ अकाउंट बनाने के लिए सबसे लास्ट में जहाँ माई अली बाबा लिखा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, अगर आपने कंट्री सेलेक्ट नहीं करके रखी तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आपको करेंसी सेलेक्ट कर लेना है, लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मैंने सेलेक्ट कर रखा है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको साइन इन रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि साइन इन फेसबुक से भी है, साइन इन विद पासवर्ड से है, और रजिस्टर करना चाहते हैं तो रजिस्टर से, या फिर आप यहाँ पर गूगल से भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं रजिस्टर पर क्लिक करूँगा। रजिस्टर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ऊपर इन सभी से कर सकते हैं, या फिर आप अपना नाम लिखकर भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपना नाम लिखकर ही करें, क्योंकि बहुत सारे लोग गूगल से बताते हैं, लेकिन गूगल से करने में एक नुकसान ये होता है कि उसमें पासवर्ड जो है वो नहीं मांगता है और अपने आप एक्सेस कर लेता है। तो यहाँ पर जो है वो आपको पासवर्ड जो है वो यहाँ पर बना लेना होता है। तो इससे जब भी जब कभी भी नया अकाउंट बनाते हैं या फिर याद कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये आपको आई एम नॉट बिजनेस एंट्री, तो इस तरीके से ये ईमेल आईडी यहाँ पर फिल कर सकते हैं, यहाँ पर पासवर्ड। अब ईमेल आईडी वो फिल करेंगे
जो भी आपकी कोई बनी हुई, और दोस्तों जो पासवर्ड है वो पासवर्ड आपको वो फिल नहीं करना है जो ईमेल आईडी का पासवर्ड है, तो आपको ईमेल आईडी से अलग कोई पासवर्ड जो है वो फिल करना है। तो यहाँ पर जो है मैं फिल कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर मैं कोई मेल आईडी जो है वो मैं फिल कर लेता हूँ। तो ये मैंने मेल आईडी फिल की और उसके बाद जो है ये मैंने मेल आईडी लिख दिया। पासवर्ड जो है वो पासवर्ड यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है इंटर पासवर्ड बिटवीन 6 से 20 करेक्टर, जिसमें कि लगभग लेटर्स भी होने चाहिए, नंबर्स भी होने चाहिए और सिंबल्स भी होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं कर लेता हूँ, आप भी कर लीजिए। और पासवर्ड यहाँ शो ऑफ, यहाँ पर सब कुछ कर सकते हैं, तो पासवर्ड शो ऑफ कर लीजिए। यहाँ पे दोस्तों मैंने पासवर्ड जो है वो फिल कर दिया है और आप देख सकते हैं सभी में जो है वो ग्रीन टिक हो गया है। इसका मतलब ये पासवर्ड जो मैंने 6 से 20 करेक्टर के भी डाले हैं, उसमें नंबर भी लिखा है, लेटर भी लिखा है और सिंबल भी बनाया है। तो सारा कुछ जो है वो आपको कर लेना है, जब आप सब कुछ कर लेंगे तभी ये आगे वर्क करता है। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, ये लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद यहाँ पर ये देखिए रजिस्टर पर दिखा रहा है, अब ये कोड जाएगा आपके उस मेल आईडी पर। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे ये कुछ एरर बता रहा है, तो यहाँ पर कोड जा रहा है और कोड को है जो है वो आपको जो भी कोड जाएगा तो यहाँ पर इंटर कोड पर क्लिक करके आपको वो कोड जो है वो फिल कर लेना है। तो यहाँ पर जो है वो मेरी मेल आईडी पर ये कोड जा रहा है, तो मैं इंटर कर लूँगा इस मेल आईडी के थ्रू, जो है कोड को यहाँ पर मैं इंटर कर लेता हूँ, तो आप भी इंटर कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि कोड आ चुका है और कोड यहाँ पर मैंने फिल कर लिया है। फिर उसके बाद यहाँ क्रिएट अकाउंट पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर जैसे मैं क्लिक करूँगा लोडिंग लेने लगेगा, और यहाँ पर दोस्तों ये देखिए आपका नाम लिख के आ गया, सारा कुछ यहाँ पर बन के आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है आपको जब ऑर्डर करेंगे, तो यहाँ पर मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि आप किस तरीके से ऑर्डर कर सकते हैं, किस तरीके से क्या कर सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल दोस्तों आपको यहाँ पर ये जो मैनेज ऑर्डर रिक्वेस्ट ये सब कूपन्स वगैरह हैं, शिपिंग एड्रेस ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। मैसेज पर आप क्लिक करके यहाँ पर प्रमोशंस के मैसेज आते रहते हैं, देखिए यहाँ पर प्रमोशंस और भी जो चीज़ें आपके लिए हैं काफ़ी डिटेल्स में आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए मिल जाती हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ कितनी सस्ती मिल रही है। तो ये अगर आप चीज़ें प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो आपको सिंपल सा करना क्या है, कुछ नहीं करना, बस चल रहे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ में जो नोटिफिकेशन बेल आता है उस ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन जरूर कर लीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप सभी लोग मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय दोस्तों।